फ्यूचरिस्टिक, एक्सेसिबल, सिंगल विंडो और ट्रांसफॉर्मेशनल, देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट अब फास्ट फॉरवर्ड होने जा रहा है। कल केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ी बात की और बुधवार को भारतीय निर्यातकों, एमएसएमई और उद्यमियों की मदद से ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म भारतीय निर्यातकों और एमएसएमई और उद्यमियों को विदेशों में भारतीय मिशन्स, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। इस अवसर पर पीयूष गोयल ने कहा कि इसके अस्तित्व में आने के बाद निर्यातकों को, खासतौर पर एमएसएमई और उद्यमियों को एक ही बटन के क्लिक पर ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म की सारी जानकारियां मिल पाएंगी। Truly delighted to see the baby taking birth after months of hard work collectively put in by the entire team, commerce, TCS, DGFT, inputs from MSME, inputs from different ministries, brainstorming over long hours, getting the support of organizations like Exim Bank, hard work put in by TCS. When all of this culminates in a Trade Connect e-platform, अर्जुन उपाध्याय जो कि उप महानिदेशक हैं डीजीएफटी में, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मंत्रालय के साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन उपाध्याय जी इस खास प्रोग्राम में आपका। ये जो ई कनेक्ट है, ये कितनी बड़ी पहल है और इससे क्या कुछ बड़े फायदे, अगर हम समझना चाहें आपसे आसान भाषा में, जो निर्यातकों को होने जा रहे हैं? ये ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म जो है, हमने एक सामान्य निर्यातक को केंद्र बिंदु बना के हमने कंसेप्चुअलाइज किया है। इसमें जो भी फीचर्स और इंफॉर्मेशन सर्विसेज है वो एक एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए हमने किया है, और साथ ही साथ जो भी एस्टैब्लिश्ड निर्यातक है उनको भी इससे काफ़ी फायदे होंगे। अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें जो भारत देश ने कई देशों के साथ साइन किया है, हमेशा एक फीलिंग रहता है कि उसका पूरा उपयोग जो है इंडियन निर्यातक को, भारतीय निर्यातक को पहुंचना चाहिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो बेनिफिट्स है वो क्या है वो समझने में, और जो प्रोडक्ट है एक निर्यातक का उसको समझने में ये पोर्टल मदद करेगा। एक प्रोडक्ट गाइड के जरिए जो भी प्रोडक्ट है उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है, उसका कितना निर्यात हो रहा है, कौन से देश है जो उसके बड़े कंज्यूमर्स है, कहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है जहाँ पे भारतीय निर्यातक अपना सामान बेच सकते हैं, कौन से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है दुनिया में जिसमें उनका सामान बिक सकता है, कौन से ट्रेड इवेंट्स है जिसमें वो पार्टिसिपेट करके अपना कनेक्शंस बढ़ा सकते हैं, ये सारे और भी सर्विसेज इस ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, और भी सर्विसेज ऐड किया जाएगा आगे चलते हुए। अर्जुन जी, आपने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री थी उसको एक ही प्लेटफॉर्म पर ला करके आप लोगों ने कई सारे डेटा लेयर्स बनाए हैं जिससे बहुत लोगों को मदद मिलेगी, लेकिन क्या इसमें लोग इंटरेक्ट भी कर पाएंगे एक दूसरे के साथ में, बातचीत कर पाएंगे? कुछ अगर सवाल हुई, कुछ अगर क्वेरीज हुई, तो क्या आप लोग भी, डीजीएफटे के लोग भी वहाँ पर रहेंगे कुछ मुश्किलों का समाधान करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसका खासियत जो है हम अकेले इस प्रोजेक्ट को नहीं कर रहे हैं, हमने एक कंसोर्शियम बिल्ड किया है जिसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, हमारे जो भी मिशन्स है अलग अलग देशों में, 200 जो मिशन्स है हमारे विदेश में वो सब भी इसमें जुड़े हुए हैं, एक्सिम बैंक जुड़ा हुआ है, डीजीएफटी जुड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जुड़ा हुआ है, और कुछ इंडस्ट्री के वॉलंटियर एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं जिनको एक सामान्य निर्यातक या फिर एक बिजनेसमैन जो निर्यात के बारे में सोच रहा है वो एक क्वेश्चन या फिर क्वेरी पूछ सकता है या फिर मदद मांग सकता है, और उसका जवाब उनके पास आने का सुविधा भी इसमें हमने कर रखा है। इस सर्विस का नाम है आस्क एन एक्सपर्ट, तो वो भी एक्सपर्ट है, वो निर्यातक का मदद करेगा इस प्लेटफॉर्म जी। अर्जुन जी, आगे जाते हुए आपने कहा कि इसका जो दूसरा संस्करण होगा उसमें और भी सुविधाएं होंगी, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बैंक्स के साथ भी आप लोगों की बातचीत चल रही है, क्या वो भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा लेंगे, क्या लोन मिलने में भी आसानी होगी निर्यातकों को आगे चल के?
ट्रेड फाइनेंस, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक्स, ये सब भी हम आगे चल के इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। इसमें हमारा फोकस ये रहेगा कि जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है कि कौन से रूट से निर्यात के लिए अच्छे दाम पे उनको लोन मिल सकता है, कौन से लॉजिस्टिक्स पार्टनर है जिससे उनका मतलब पूरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की सुविधा जो आप उनको दे पाएंगे, ये कह रहा हूँ। जी प्लीज कंटिन्यू करें। तो ये सब भी इस प्लेटफॉर्म में आएगा। और आज के दुनिया में जो निर्यात का एक सबसे बड़ा समस्या जो है वो है नॉन टैरिफ बैरियर्स। इसका मतलब है कि जो भी टैरिफ के अलावा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप्ड कंट्रीज लगाते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स पे, जो हमेशा जस्टिफाइड नहीं रहता है, इसको डील करने के लिए भी इस प्लेटफॉर्म में एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है। और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और जो भी कमोडिटी बोर्ड्स और मिशन है एकजुट इस पे काम करेंगे और इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब तुरंत अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी एक्सपोर्टर को तो वो जाकर के फ्लैग कर सकता है उस प्रॉब्लम को, उसके बाद जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। अर्जुन जी ये कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही चाहिए। वक्त मेरे पास इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी, हम लगातार आपसे संपर्क में रहेंगे और इस पर हम रिपोर्ट करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।